नमस्कार सभी को। आज हम अतिथि तुम कब जाओगे इस पाठ के लिए बहुविकल्पी प्रश्न कर रहे हैं। और इसमें पहला हमारा प्रश्न आता है कि लेखक किससे परेशान है। तो यहाँ पर लेखक जो है अतिथि से परेशान है। किससे परेशान है? अतिथि से। उसके बाद हमारा प्रश्न आता है कि लेखक के घर में अतिथि को कितने दिन हो गए थे। तो यहाँ पर सही जवाब जो है 4 दिन। 4 दिन तक वो लेखक के घर में आया हुआ था मेहमान, तो यहाँ पर 4 दिन हो चुके हैं। उसके बाद प्रश्न आता है लेखक अतिथि से क्या चाहता है। लेखक अतिथि से क्या चाहता है कि वह जल्दी चला जाए, क्योंकि वह बहुत परेशान है, उससे दुखी है। और उसके बाद प्रश्न आता है कि लेखक कितने दिनों से अतिथि को कैलेंडर दिखाकर तारीखें बदल रहा है। 2 दिनों से। प्रश्न आता है कि लेखक को अतिथि से क्या उम्मीद थी, क्या सोचा था उसने कि वह अगले ही दिन चला जाएगा, ये सोचा था। प्रश्न आता है लॉन्ड्री में कपड़े देने की बात सुनकर लेखक की पत्नी को क्या लगा। उसे लगा कि अतिथि कुछ दिन तक और ठहरेगा। यहाँ पर सही है ऑप्शन डी। उसके बाद प्रश्न आता है कि लेखक की पत्नी अतिथि के सत्कार से दुखी होकर क्या बनाने को कहती है। वे दुखी हो जाती है खाना बनाते बनाते, तो कहती है कि खिचड़ी बना दी जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है खिचड़ी सही जवाब है। उसके बाद प्रश्न आ जाता है कि लेखक की सहन शक्ति किस दिन जवाब देने वाली थी। उसकी सहन शक्ति 5वें दिन जवाब देने वाली थी। प्रश्न आता है लेखक के अनुसार अतिथि के समय पर लौट जाने पर अतिथि का क्या सुरक्षित रहता है। उसका देवत्व जो होता है, यानी अतिथि को हमारे यहाँ देवता माना जाता है, तो अगर अतिथि समय पर अपने घर चला जाए तो उसका देवत्व सुरक्षित रहता है, देवतापन जो है वो सुरक्षित रहता है। यहाँ पर सही जवाब है देवत्व। ये हमारे इस पाठ के प्रश्नोत्तर हैं। और इसके अलावा आपको किसी और पाठ के लिए भी ऐसे प्रश्नों की आवश्यकता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना, तो मैं वही पब्लिश करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने भी नॉलेज वाले वीडियोस अपलोड किए जाते हैं सबकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और अगर आपको ई बुक ख़रीदनी है तो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से कोई भी ई बुक ख़रीद सकते हो। थैंक यू।